जो कि एक लम्हा फिक्र है कि हमारे फॉरेन ऑफिस इस तरह के तजादी बयान क्यों दे रहे हैं। और तीसरी चीज ये कि जब वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर आपके ये समझ रही है कि उनकी फैमिली नहीं है, तो फॉरेन ऑफिस में और जो मिलने गए थे उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने हमारी तस्वीरें दिखाई? क्या बच्चों की कोई वीडियो दिखाई है कुछ उसको ये बताने को कि नहीं भाई ये जिंदा है और तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को भी पता है, आप लोगों के जरिए ये अफवाह हमें भी उड़ाई गई थी, हमसे भी ये कहा गया था कि नाउज़ुबिल्लाह आप ये मर चुकी है उसी दौरान 2016 के जिस वक्त से ये फोन कॉल लेती है। तो इसके पीछे मसला क्या है? देखिए हम लोग तो एज अ फैमिली उससे मिलना चाहते हैं, उसकी खैरियत चाहते हैं और उसकी आज़ादी चाहते हैं, उसको वापस अपने वतन लाना चाहते हैं हमें। तो इस वक्त जज साहब ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया कि हमारे लिए फॉरेन ऑफिस वीज़ा को फैसिलिटेट करें, हमारी वीज़ा एप्लीकेशन को बात करें हर एक को। कुलभूषण की फैमिली को भी तो मिलाया गया कुलभूषण से, तो फिर हमें आप ये से क्यों नहीं मिलाया जा रहा, इसको फैसिलिटेट करें। मेरा वीज़ा विद सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी तक मुझे लेके जाएँ और आप लोग को मिलाए और आप लोग की फैमिली को मिलाए। तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा अच्छा कदम है। अल्लाह करे कि हमारा फॉरेन ऑफिस अदालत के हुक्म को एज ए केस मान ले और इस पर मतलब काम करे। पिछले 20 साल हो गए, अदालतें तो बहुत अच्छे अच्छे फैसले देती हैं लेकिन आगे कुछ भी नहीं होता है। एक पर्चा जमा कर देते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, कोई सबूत, किसी किस्म की कोई हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं। हमें काउंसलर्स मिले हैं तो उनकी काउंसिल जनरल की रिपोर्ट होती है ना, हमसे वो रिपोर्ट तक नहीं शेयर की जाती, इन कॉन्फिडेंस ही शेयर करते हैं। बस ये है कि काउंसिल जनरल ने इस दफ़ा अदालत की वजह से हमें फ़ोन करके इतला ज़रूर दी कि हम मिले हैं आप जैसे, जिसकी मैं हमेशा मशहूर रहूँगी काउंसिल जनरल।